Hello student, we are going to start for the class 6 geography. Okay, so in geography for the class 6, the first chapter is planet. The earth is in the solar system. We have to study about the planets, the earth and the planet, the star, the universe, the constellation, the asteroid, the moon and many ethereal bodies that are in our universe. So in this chapter we will study about the whole universe in different parts of universe. So first we study about the planet Earth. We all know that our universe is very vast, so vast that we can't think of it. हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा है, और उसके जितने भाग से हम अब तक परिचित हो पाए हैं वह बहुत थोड़ा है। फिर भी उन भागों के बारे में आज हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है। हमारे यूनिवर्स में जहां हम रहते हैं वो हमारा सोलर सिस्टम है, वो है क्या। सोलर सिस्टम हमारे 8 ग्रहों और सूर्य का एक ग्रुप है जो कि आपस में एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। अवर सोलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स, द सन एंड द मून दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। अब हम एक एक करके देखेंगे कि तो सोलर सिस्टम आपने समझा, इसमें 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है जो कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा ग्रहों के अपने अपने सैटेलाइट हैं, मून्स हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। हमें सबसे पहले प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज अ प्लैनेट? प्लैनेट आर द बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। वी ऑल नो दैट सन इज अ स्टार, एंड व्हाट इज अ स्टार? स्टार गिव अस लाइट एंड हीट। हम सब जानते हैं कि सूर्य एक तारा है जो हमें प्रकाश और गर्मी देता है, और चूंकि सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है, सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सो ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, बिकॉज सन इज द बिगेस्ट स्टार नियर अस। सन जो है वो हमारी पृथ्वी या सभी प्लैनेट्स का सबसे नजदीकी तारा है, और उसका ग्रेविटेशन इतना ज्यादा है कि 8 ग्रह मिल करके उसकी परिक्रमा करते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट इज द प्लैनेट्स आर द यूनिवर्सल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स या ग्रह वह खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इससे पहले हमारे यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने 9 ग्रह 9 प्लैनेट्स को क्लासिफाई किया था, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ वजन में कमी के कारण प्लूटो जो कि हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था उसे सोलर सिस्टम से आउट कर दिया गया है, एंड नाउ वी हैव ओनली 8 प्लैनेट्स एंड 1 सन, एंड देयर आर मेनी सो मेनी सैटेलाइट्स। So first we study about the earth as a planet. We all know that in 8 planet there is only one planet that have life, and that is our planet, that is known as earth. हम सब जानते हैं कि इस 8 planets में से एकमात्र पृथ्वी ऐसी ग्रह है जहां पर जीवन अब तक संभव है या तक खोजा गया है, और वह हमारा खुद का planet है जहां पे हम रहते हैं, और किसी भी ग्रह पर अभी तक जीवन है ऐसा कोई खोज नहीं हुआ है। तो व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ अर्थ दैट वी लिव ऑन इट? क्या ऐसा क्या है हमारी पृथ्वी के अंदर जो हम इस पे रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, वही हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ अर्थ? व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अर्थ? वी ऑल नो दैट वी हैव द अर्थ हैव अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड इट। हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक मोटा सा आवरण है जिसे हम एटमोस्फेयर के नाम से जानते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द लिविंग थिंग्स कैन ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। वी ऑल नो दैट वी यूज ऑक्सीजन इन आवर ब्रीथिंग एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड they also use oxygen for the respiration. So the atmosphere help us to survive. Except earth there is no planet have the atmosphere. हमारी पृथ्वी के अलावा किसी और भी ग्रह पर अब तक
ऑक्सीजन या किसी भी गैस के होने के चिन्ह नहीं मिले हैं। ये हमारे यूनिकनेस है, पृथ्वी का ये यूनिकनेस है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि हमारा सर्वाइवल गैस है और जिसके सांस लेने की वजह से लिविंग थिंग्स यहाँ पे जिंदा हैं। हमारी पृथ्वी एनवायरनमेंट से ढकी हुई है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। दूसरा जो फीचर है पृथ्वी का वह यह है कि एनवायरनमेंट के ढके होने के कारण द सन रेज दैट आर वेरी डेंजरस टू अस, वी ऑल नो अबाउट द अल्ट्रा वायलेट रेज, इफ यू डोंट नो आई विल एक्सप्लेन, देयर आर अ रे दैट कम फ्रॉम द सन, द रेज दैट कम फ्रॉम द सन वी रिसीव अ लिटल अमाउंट ऑफ दैट। जितनी भी सूर्य की किरणें सूर्य से चलकर पृथ्वी तक आती है उसमें से हम उसका बहुत कम भाग हम तक पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे एटमोस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है और वह सूर्य की जो जहरीली अल्ट्रा वायलेट रेज है उसे रिवर्स कर देती है, उसको वहीं से रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे हम तक नहीं पहुंचने देती है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर जिंदा रह पाते हैं। इफ ऑल द रेज कम थ्रू द एटमोस्फेयर वी कांट लीव ऑन द अर्थ, वी कांट सर्वाइव इन द हीट दैट वी गेट फ्रॉम। अगर सूर्य की सारी किरणें पृथ्वी पर आ जाती तो हम इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहाँ पर स्पीसीज का होना संभव नहीं हो पाता। सो, हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करता है हमें सन के हीट से, सन के जहरीली किरणों से। अदर प्लैनेट पे सन की सारी किरणें डायरेक्ट पहुंचती है, कोई भी बीच में रुकावट न होने के कारण वहां पे जीवन संभव नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी यूनिकनेस है हमारी पृथ्वी की, दैट इज वाटर। वी ऑल नो दैट द वाटर इज मेड फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन एंड बोथ ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन द अर्थ, सो वी हैव अ प्रीसियस थिंग दैट वी नोन एज वाटर एंड विदाउट वाटर नो वन लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव एंड ड्यू टू द वाटर वी ग्रो मेनी टाइप ऑफ फूड आइटम्स एंड वी ईट एंड वी सर्वाइव। वी यूज इन आवर फूड बोथ नेचुरल प्लांट एंड एनिमल्स एंड एनिमल्स सर्वाइव ऑन प्लांट एंड वी ऑल्सो सर्वाइव ऑन प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, सो दिस इज अ चैन ऑफ फूड and chain of survival. We take oxygen from the atmosphere, and we release carbon dioxide. The plants use carbon dioxide in photosynthesis in a huge amount and very little oxygen in their respiration. So this is a cycle that is goes on continuously and so that we can live on the earth. If this process couldn't take place, we can't live here. So पृथ्वी की जो यूनिकनेस है, पृथ्वी का जो अनोखापन है, वो मैंने आपको कुछ भाषा में समझाया कि पृथ्वी एक तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, दूसरा यहाँ पे वाटर है, ये दो ऐसी प्रीसियस चीजें हैं जिसके कारण हम यहाँ पे रह पाते हैं। तीसरा एटमॉस्फेयर जो है वो सनरेज को रोकता है। इसके अलावा पृथ्वी की जो दूरी है सन से, वी ऑल नो दैट द नियरेस्ट प्लैनेट इज मर्करी, दैट इज वेरी नियर टू द अर्थ टू द सन एंड the mercury and the venus receive a huge amount of heat in form of sun rays and so that they can't survive the species। इसी प्रकार जो सबसे दूर वाले ग्रह हैं like neptune and uranus the sunlight can't reach maximum or the approximately there so they are too cold to live any species। सन और मर्करी और यूरेनस इतने दूर हैं सन से कि वहां तक सन की किरणें पहुंच नहीं पाती जिसके कारण कोई भी स्पीसीज वहां जिंदा नहीं रह सकता। सो ये पृथ्वी की यूनिकनेस है कि ये इसकी दूरी जो है वो सन के ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पृथ्वी पर हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमें सर्वाइव करने में सहायता देता है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, shape of the earth. What is the shape of the earth and how we know that shape, what is the shape of the earth? We all know that the earth is round in shape. हमारी पृथ्वी oval है, अंडाकार है, हमारी पृथ्वी अंडाकार है, लेकिन इसका जो एज है, जो किनारा है, वो ये चिपटा है जिसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं।
इसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं, ये चिपटी हुई है और पृथ्वी के इस सरफेस पे हमारा जीवन है। सो आवर अर्थ इज ओवर दिस सेट एंड इफ वी तो ये मैगलेन नाम के एक सेलर थे जिन्होंने पृथ्वी के एक पॉइंट से ट्रैवलिंग स्टार्ट किया एंड व्हेन ही केम टू दिस पॉइंट ही फाउंड नो एज। मैगलेन नाम के एक व्यक्ति ने जब स्टार्ट किया पृथ्वी पर से रोटेट करना और उसने जब पृथ्वी के एक छोर से सेल करना स्टार्ट किया अपने नाव को तो वो वहीं पे पहुंच गया जहां से वो चला था और बीच में उसे कोई भी किनारा नहीं मिला। सो ही सेड दैट आवर अर्थ इज राउंड इन सेल। ओके देन ड्यूरिंग द लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की जो छाया बनती है वो गोल बनती है जिस वजह से हम कह सकते हैं वो राउंड है। इसके अलावा अब तो अंतरिक्ष में लोग जा चुके हैं और अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा गया देन इट्स अ राउंड इन सेल। ओके नाउ वी कम टू द पॉइंट यूनिवर्स। व्हाट इज यूनिवर्स एंड इन स्टार्ट आई हैव सेड दैट यूनिवर्स इज अ वास्ट वर्ल्ड, इट इज नॉट नैरो। ये छोटा नहीं है, ये हमारी सोच से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है और यूनिवर्स के कुछ भाग को मात्र हम अभी तक जान पाए हैं। हम वास्तव में हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज्यादा रहस्यात्मक है जिसे अभी हम पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार, सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स, मेटर्स, देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स, मेनी different bodies that present in the universe and that make the universe. So we in celestial bodies first we study about the star. All the celestial bodies, all the bodies present in the universe is known as celestial bodies. Okay, so we study about the star. What is a star? We all first we know about the planet, now we know about the star. What is the difference between planet and the star? The stars are the universal bodies that give light and heat. तारे ब्रह्मांड के वे पार्ट हैं जो गर्मी और प्रकाश देते हैं। Planets और तारों में ये सबसे बड़ा फर्क है that planets do not have their own light but the stars have their own light. There are many stars in the universe and so giant stars that in one star our millions of earth can consist of. हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है फिर भी हमारे ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं कि हमारी करोड़ों पृथ्वी उसके अंदर समा सकती है। हमारा सूर्य हमारा सबसे नजदीकी बड़ा तारा है जिसकी वजह से सौरमंडल का वह प्रमुख ग्रह है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य से भी कितने बड़े बड़े तारे विद्यमान है। आपने देखा होगा The stars are twinkling at the night. रात में दिन में हमें वो दिखाई नहीं देते और रात में हमें वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तारे दिन में भी होते हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश, चूंकि सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है और सूर्य का प्रकाश इतना ब्राइट होता है दैट वी कांट सी स्टार्स एट डे बट इन द नाइट व्हेन द सन इज नॉट देयर वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग बिकॉज वी हैव एटमोस्फेयर, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ things in the space. So when the light, the stars are so far away from us that the light come through the stars, they can't reach approximately on the earth. जो तारे से जो प्रकाश निकलता है ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा वस्तुएं हैं, इतनी ज्यादा बॉडीज हैं जिसके कारण वो बहुत कम हम तक पहुंचता है और इसीलिए स्टार्स हमें ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में इतने ज्यादा धूलकण पाए जाते हैं, वाटर वेपर होते हैं, गैस का घनापन होता है जिसकी वजह से स्टार हमें ट्विंकलिंग दिखाई पड़ते हैं। सो स्टार्स के बारे में आपने देखा, अब देखते हैं व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन। इन सिंपल वे वी कैन से दैट द ग्रुप ऑफ स्टार in one pattern is called constellation. We all know that there are many stars here. So what, how can we know that this is constellation? So student, the group of star in one pattern, मतलब एक ही pattern में सजे हुए तारों के समूह को हम constellation या तारामंडल कहते हैं।
Okay, so the group of stars in one pattern is known as constellation, and we have some famous constellation like Ursa Major, and different type of constellation we found in the sky at night. Okay. Now we come to our solar system. At first, I have described about the solar system, that our solar system is consist of 8 planet and the sun, and all the sun revolve around the sun. Once we get a view of solar system, in solar system, in the middle of solar system, this is sun, and then Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and the last Neptune. This is the series of our solar system. There are a sun in the middle of the solar system, and all the planets revolve around the sun in their own path. And this is known as the orbit of the planets. There are 8 planets in our solar system, and they have a special path to revolve around the sun, that is known as orbit. And all the planets in a certain phase, in a certain period of time, they revolve around the sun. This is known as revolution of the planet, and they revolve in the orbit. The first planet, the closest of the sun, is Mercury. Then second is Venus, third is Earth, fourth is Mars, then fifth Jupiter, then Saturn, then Uranus, and then the last planet is Neptune. The Mercury is the closest planet to the Earth, and the Earth is the third planet to the Earth. Okay? In solar system, the largest planet is Jupiter. Largest planet is Jupiter, and the Saturn has the ring around it. The Saturn has the ring around it. Neptune is the farthest planet, and our Earth is only one planet that has the life. This is the short introduction of our solar system. In middle there is sun, and the 8 planets revolve around the sun because of their gravitational force. हमारे सौर मंडल में सूर्य जो कि सबसे प्रमुख पात्र है, वह बीच में है, और उसके चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के ग्रेविटेशन जो कि सबसे ज्यादा है, सूर्य का मास सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा है, और उसकी ग्रेविटेशन सबसे अधिक होने के कारण सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में उसकी चक्कर लगाते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि ग्रह अपनी कक्षा में ही क्यों चक्कर लगाते हैं, क्योंकि एवरी प्लैनेट हैज सम ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ड्यू टू दिस फोर्स दे कांट गो आउट फ्रॉम हिज ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट हैं उनके पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह अपनी कक्षा से बाहर नहीं जा सकते, और वह सब अपनी ही कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सारे प्लैनेट्स का, देयर आर दैट इज सैटेलाइट। वी ऑल नो दैट आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज नोन एज मून, एंड दिस इज वन ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसी प्रकार सभी प्लैनेट्स के, मरकरी और वेनस को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स के अपने अपने सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट्स आर द इफेशियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। उपग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों का चक्कर काटता है, जो ग्रहों के आसपास घूमता है, और इस क्रम में चूंकि बृहस्पति सबसे बड़ा है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सो द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जुपिटर हैज।
क्योंकि बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का, इसलिए सबसे ज्यादा सैटेलाइट जुपिटर के पास है, और मरकरी और वेनस के कम छोटे होने के कारण मरकरी और वेनस की अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। हमारी जो पृथ्वी है, हम जो हमारी ग्रह है, उसका एकमात्र सैटेलाइट है जिसे हम मून के नाम से जानते हैं, वह पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। और इस प्रकार जो मून है, चंद्रमा है, वह पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। सो इन दिस चैप्टर यू नो अबाउट द सॉर्ट इन द सोलर सिस्टम, द प्लैनेट, द सैटेलाइट। आई होप यू विल स्टडी इट एंड यू विल नो अबाउट मोर अबाउट इट। थैंक यू।